स्वागत करते हैं आपका फिर सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएल गणेश पर। सभी का एक बार स्वागतम है, सुस्वागतम है, जय श्री राम, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम है सभी का इस चैनल पर। और आप जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है थान डाइट के मुख्य नियम। मेरे बच्चे, मैं वीडियो शुरू करने के पहले ही आपसे गुजारिश करता हूँ कि कृपया सभी लोग जो जो भी व्यूवर्स इसको देख रहे हैं वो सभी भी एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले और नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन कर लेना, ताकि जो आने वाले वीडियो हैं वो आपके होम स्क्रीन पर आराम से पहुँच सके। मैंने पिछली क्लास में आपको ये पढ़ाया कि कैसे थॉन डाइक्स हमने एक बिल्ली पर प्रयोग करते हैं और क्या क्या निष्कर्ष निकालते हैं, उसके निष्कर्ष के आधार पर वो अपने नियम बनाते हैं। उन नियमों को हम कैसे यहाँ पर समझेंगे, कैसे देखेंगे, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे और उसी चर्चा को आज हम यहाँ पर आगे बढ़ाने की कोशिश करें। ठीक है बच्चे, हमने आपको तत्परता के नाम लॉ ऑफ रेडीनेस पढ़ा दिया था पिछली क्लास में, और मैंने कहा था जब हम अगली क्लास लेंगे तो हम इसके अन्य नियमों पर जरूर चर्चा करेंगे। तो आज पहले बच्चे जो दूसरा नियम आता है वो तो क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। तो जो थॉर्नडाइक का जो मुख्य अभिमुख नियम और गौण नियम, इन्होंने कुछ मुख्य नियम दिए और कुछ गौण नियम दिए, आप कह सकते हैं कुछ प्राथमिक नियम दिए और कुछ द्वितीयक नियम दिए। जो प्राथमिक नियम है उनमें तो एक नियम तो हो चुका है जिसको आप कहते हैं लॉ ऑफ रेडीनेस यानी तत्परता का नियम, जिसमें यह बताया गया था अगर बालक ज्ञान लेने के लिए तत्पर है, अगर बालक सीखने के लिए तत्पर है, अगर कोई व्यक्ति सीखने के लिए तत्पर है तो उसको सिखाना बहुत ही सहज होता है, सरल होता है। जबरदस्ती किसी को हम सिखा नहीं सकते हैं। अब दूसरा जो नियम कहता है पहले बच्चे बहुत ध्यान से देखिएगा, दूसरा नियम है अभ्यास का नियम। क्या है अभ्यास का नियम, इसमें हम देखेंगे क्या होता है अभ्यास का नियम। आप सभी जानते हैं अभ्यास के नियम के दो मुख्य भाग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अभ्यास के नियम के दो मुख्य भाग हो जाते हैं। एक होता है उपयोगिता का नियम, इसे दो भाग करके हम करते हैं, एक को कहते हैं उपयोगिता का नियम जो बहुत ज्यादा फेमस है लॉ ऑफ यूज से, ऐसे कहा जाता है कि लॉ ऑफ यूज, और दूसरा है अनुपयोगिता का नियम, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ यूज। अब दोनों में आप सभी जानते हैं अभ्यास के नियम होता है, आप जानते हैं करते करते अभ्यास के जड़मति होए सुजान, यानी अभ्यास को करते करते एक मंद बुद्धि भी जिसको जड़मति यानी जिसकी मति बिल्कुल जड़ है, जड़ के समान है, वो भी सुजान माने बहुत ज्ञानवान हो सकता है। तो वही बात कह रहा है अभ्यास का नियम लॉ ऑफ एक्सरसाइज को कहते हैं, लॉ ऑफ एक्सरसाइज कहते हैं। आप खुद सोचिए कि अगर मान लीजिए कोई भी काम हमको नहीं आता है, जैसे आप हम कहते हैं कि अगर बार बार आप मैथ के सवाल लगाने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मैथ का वो क्वेश्चन या मैथ का वो थ्योरम जो है वो जरूर आ जाएगा। तभी कहते हैं बार बार रिवीजन करते रहना चाहिए ताकि हमें कुछ तो चीज़ें हमारी हमेशा रिकॉल होती रहें। तो मनोविज्ञान के इस नियम से संबंधित होता है अभ्यास का नियम, कहते हैं कि अगर बार बार आप अभ्यास करते हैं तो अब अभ्यास भी दो प्रकार के होते हैं, तो उपयोगिता का नियम तो अनुपयोगिता का नियम। मान लीजिए किसी बच्चे को प्यास लगी है तो तभी पानी पीने की कोशिश करेगा, मैंने पिछली बार बताया भी था कि घोड़े को तालाब के पास ले तो जाया जा सकता है लेकिन उसको पानी जब किसी नहीं पिलवाया जा सकता है तो ला आप यूज माने जिस भी चीज़ की उसको ज़रूरत है उसको बार बार करना चाहेगा, बार बार। जैसे हम हैं, हमें क्या होता है कि किसी भी चीज़ की मान लीजिए हमें पढ़ना है, अब पढ़ने के लिए हम बार बार पढ़ाई का प्रयास करें, बार बार किसी को बच्चा एक पढ़ाई का प्रयास करता है। मान लीजिए वो साइकिल चलाना चाहता है, बच्चा बार बार चलाता है, एक बार गिरता है, दो बार गिरता है, तीन बार गिरता है, क्योंकि उसको उसकी उपयोगिता है, क्योंकि उसको उसके यूज़ है, क्योंकि उसको स्कूल जाना है, कुछ भी करना है। तो अगर जिस भी काम, जिस भी प्रक्रिया, जिस भी कार्य का आपको प्रयोग है, आपको उपयोग है, उसको आप जल्दी सीखते हैं, और जिस काम का आपको उपयोग नहीं होता है उसको बहुत धीरे 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 करके सीखते हैं। तो अगर उपयोगिता है तो एक्सरसाइज ज़्यादा होती है, ज़्यादा जल्दी सीखा जाता है, अगर उपयोगिता नहीं है तो एक्सरसाइज धीरे होती है और उसी काम को बच्चा धीरे 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 सीखता है। समझ गया ना, तो अगर उपयोगिता है
तो सीधी बात है भैया, कैसे होगा आपका हिंदी जल्दी सीख जाएगा, जल्दी सीख जाएगा। लेकिन अगर उपयोगिता नहीं है तो देर में सीखेगा, देर में सीखेगा या नहीं सीखेगा, आप ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, ये होता है अभ्यास। आप खुद जानते हैं कि बार बार अभ्यास करने से, बार बार एक्सरसाइज करने से, अभ्यास करने से व्यक्ति क्या हो जाता है, किसी कारण को सीख जाता है। तो याद रखिएगा, दूसरा नियम फॉर्म डाइट का बताया कि भैया अभ्यास का नियम होता है, आप अभ्यास नहीं करेंगे तो आप चीज़ों को भूलते जाएंगे। समस्या दिक्कत परेशानी कोई तो बताए, समझ गए यहाँ तक? तो आपने कहा जी हाँ, हमको समझ में आ गया कि भैया अभ्यास तो हमको करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम पढ़ाई में भी अभ्यास करते हैं तभी सीख सीख पाते हैं। ठीक है, हम आगे चलेंगे अपने दूसरे नियम में। और याद रखिएगा, आप चाहे पूछ लिया जाए कोई एक बच्चा है जिसको स्कूल जाने के लिए साइकिल सीखने की आवश्यकता है तो किस नियम का पालन करेगा, तो आप कहेंगे अभ्यास के नियम में उपयोगिता के नियम का पालन करेगा, क्योंकि उस बच्चे को साइकिल की नीड है, आवश्यकता है। और अगर आवश्यकता है, उपयोगिता है, तो बार बार अगर प्रयास करें तो इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए अभ्यास करके सीख सकते हैं। अब कहें एक बच्चा है जिसका जिसको कंप्यूटर सिखाया जा रहा है लेकिन उसको कंप्यूटर की उपयोगिता नहीं है, वो तो कंप्यूटर सीख पाएगा, तो आप कहेंगे सीख सकता है, लेकिन सीख सकता है और नहीं भी सीख सकता है। अगर सीखेगा तो देर में सीखेगा, क्योंकि उसको उपयोगिता नहीं है, आवश्यकता नहीं है, इतनी सीखा। ठीक है, चलिए आगे। अब आगे का अगर हम नियम पढ़ेंगे तो याद रखिएगा भैया, इसको स्क्रीन शॉट करते चलें और करते चलें, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में चीज़ें आसानी से, बहुत ही सिंपल तरीके से, सरल तरीके से बैठ जानी चाहिए, ऐसा मेरा प्रयास है। अब अगर आगे की बात करें पहले बच्चे, तो ये पता है प्रभाव का नियम क्या होता है, आपके सामने होता है एक प्रभाव का। तीसरा नंबर नियम है प्रभाव का, इसको आप कहेंगे लॉ ऑफ इफेक्ट। क्या कहेंगे? लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ इफेक्ट की प्रभाव का नियम होता है। अब प्रभाव का नियम क्या होता है, अब देखो, आप सभी जानते हैं, जैसे कोई भी ऐसा हमने कार्य किया, मान लीजिए कि हमने पढ़ाई बहुत अच्छी की और हमारे टेट या सुपर टेट में बहुत अच्छे नंबर आए, तो हमको लोग क्या करते हैं, सराहना करते हैं। और सब जानते हैं जिस भी कार्य की आपकी सराहना होती है उसको आप बार बार, तो वो प्रभाव होता है, प्रभाव का नियम होता है कि कोई आपने ऐसा काम किया जिसका प्रभाव सकारात्मक रहा है, जिसका प्रभाव पॉजिटिव रहा है, आपको नकारात्मक प्रभाव नहीं झेलना पड़ा है, तो उस काम को क्या बार बार नहीं करना चाहेंगे। मान लीजिए आपने पढ़ाई की, आपके बहुत अच्छे नंबर आए, लोगों ने बहुत ज़्यादा सराहना की, और आप बार बार प्रयास करेंगे कि हम ऐसा प्रयास बार बार करते रहें ताकि हमारे बहुत अच्छे नंबर आते रहें और यूं ही हम सराहना के पात्र बने रहें। यहाँ पर भी दो प्रकार के भाग इसके कर दिए जाते हैं, याद रखिएगा। एक को कहा जाता है संतोष का नियम, संतोष का नियम, लॉ ऑफ सर्टिफिकेशन, और ये कहा जाता है असंतोष का नियम। मैंने अभी अभी आपको बताया कि अगर कोई आप ऐसा काम कर रहे हैं जिसका प्रभाव कैसा है, सकारात्मक है, और जब सकारात्मक उसका जब प्रभाव आएगा तो क्या बताइए, आपको संतोष नहीं होगा। आपको संतोष होने का मतलब ये है कि आपको सेटिस्फैक्शन रहेगा कि चलिए हमने काम किया और इससे हमको बहुत ज़्यादा, तो अब ये जो बढ़ाइयाँ होंगी, जो प्रेज होगी, जो आपकी प्रशंसा होगी, ये आपको संतोष प्रदान करेगी। और अगर आपको किसी भी काम को करने में, हम दाई कहते हैं कि अगर बच्चे को कोई काम करने में बढ़ाई मिलती है, मैम से, जैसे उसकी मैडम है स्कूल गया, बहुत अच्छी राइटिंग लिखी, मैडम ने बहुत ज़्यादा उसको कहा कि वाह वाह, क्या तुम बहुत अच्छा लिखते हो, बहुत अचीवर में आगे जाओगे, तो बच्चा वो काम बार बार करेगा। क्यों? क्योंकि मैडम से उसको बढ़ाई चाहिए, गुड चाहिए, फेयर चाहिए, बार बार काम। लेकिन असंतोष, मान लीजिए कोई उसने ऐसा काम किया जो कि काम नहीं जानता, बच्चा नहीं जानता सही गलत है, लेकिन वो काम गलत है, किसी बच्चे को गाली दे दी, किसी बच्चे को ढकेल दिया, तो ये चूंकि ये काम गलत है तो उसको इस बात के लिए बढ़ाई नहीं बल्कि क्रिटिसिज्म झेलना पड़ेगा, नेगेटिव इफेक्ट झेलना पड़ेगा, तो बच्चा फिर उस काम को करने से डरेगा।
और जो पनिशमेंट होता है वो इसी के नियम पर आधारित होता है कि अगर आप कोई बच्चा गलत काम करता है, अगर आप उसको नकारात्मक यानी पनिशमेंट, तो वो कैसे हुआ, नकारात्मक प्रभाव हुआ। अगर उसमें नकारात्मक प्रभाव डालते हैं तो जो बच्चा है वो क्या करेगा, तो आप कहेंगे बच्चा वो सच्ची वो बच्चा फिर दोबारा वो काम नहीं करेगा। तो अगर उसको असंतोष हो गया यानी वो संतुष्ट नहीं है जो उसको बढ़ाई मिली है, इसलिए वो काम नहीं करेगा। तो प्रभाव, प्रभाव किसका, बढ़ाई का या प्रेस का या प्रशंसा का प्रभाव संतोष, और पनिशमेंट का प्रभाव असंतोष। तो प्रश्न कैसे आएगा, एक बच्चा क्लास में फर्स्ट आता है, क्लास के सारे बच्चे उसके लिए ताली बजाते हैं, मैडम भी या प्रोफेसर उसको गिफ्ट देते हैं, तो वह बच्चा हर बार प्रथम आने की कोशिश करता है, तो बताओ किसका किस नियम पर आधारित है, तो आप कहेंगे प्रभाव खंडाई के। किस नियम पर आधारित है, आप कहेंगे खंडाई के प्रभाव के। देखो ये जो चीज़ है ये इन्फोर्समेंट में भी आगे चल के आएगी। अभी जब हम पॉलॉक्स आपको पढ़ेंगे उसमें भी आएगी, जब सॉरी स्किनर्स आपको पढ़ेंगे तो उसमें भी आएगी। लेकिन अगर पूछा जाए ये प्रभाव खंडाई के किस नियम से संबंधित है, तो आप कहेंगे प्रभाव के नियम से, लॉ ऑफ इफेक्ट से रिलेटेड। उसके बाद आपने कहा ठीक है, फिर स्क्रीन शॉट करो, फिर हम बात करते हैं खंडाई के गौण में। बस यूँ ही आप पढ़ते रहें, आपको सारी चीज़ें समझ में आती जाएंगी। ठीक है, इस बार मैं प्रयास करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको किसी के द्वारा करा दो नहीं। ठीक है, जैसे अब अगले जो आने वाले हैं, मैंने कहा था इन्होंने कुछ गतिये नियम भी दिए हैं कि खंडाई के, आपसे कहा जाए गौण नियम या आपसे कहा जाए गतिये नियम, बात एक ही आप क्या कहते हैं, सेकेंडरी लॉ ऑफ हार्मोनिक्स। तो अब हम अगर द्वितीय नियमों की बात करें तो आप सब जानते हैं जो द्वितीय नियम होते हैं कहीं ना कहीं मुख्य नियमों से निकल के आए होंगे, उनका बिल्कुल ठीक बात है। तो जो पहला जो नियम होता है उसको देखिए कैसे कहते हैं और समझ लीजिए। पहला प्यारे बच्चे जो नियम निकल के आता है उसको कहते हैं, उसको कहते हैं मनोवृत्ति। क्या कहते हैं, मनोवृत्ति का, मनोवृत्ति का नियम, इसी को कहते हैं लॉ ऑफ डिस्पोजिशन। इंग्लिश वालों को भी साथ साथ में बहुत ज्यादा लिखता हुआ चल रहा है ताकि उनके बच्चों को पता चलता रहे। अब देखिए सिर्फ इसमें सुनने सुनने की आवश्यकता है, क्या सुनना है, देखो मनोवृत्ति क्या होती है, अपना दिमाग को क्या सुनना मूड होता है। जैसे कोई बच्चा है, ध्यान से सुनिएगा, जैसे आप हैं, आप अपने घर से झगड़ा करके आए हैं, आपके आपका दिमाग आपका जो मूड है, वो मूड का मतलब है जो आपकी मनोवृत्ति है वो सही नहीं है, आपको किसी ने डांटा है, आपको किसी ने मारा है, आप मुझे बताइए मैं आपको यहाँ पर बिठाऊं और कहूँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ पढ़ेंगे तो आपका सब चीज मूड खराब है और आज हम नहीं पढ़ेंगे। यानी अगर मनोवृत्ति ठीक है, यानी अगर उसकी डिस्पोजिशन, अगर उसकी मनोवृत्ति कैसी है, उसका दिमाग मस्तिष्क मूड अगर काम है, शांत है, सही है, तो वो बच्चा जल्दी सीखेगा। और अगर उसका मूड खराब है, यानी वो मारा गया है, यानी उसको सामाजिक दबाव है उसके ऊपर, घर से कुछ दिक्कत हुई है, झगड़ा हुआ है, तो फिर वो बच्चा सीख नहीं पाता है। तो ये किस नियम के अंतर्गत आता है, मनोवृत्ति के नियम के अंतर्गत आता है। आपको सुनना है सिर्फ, याद रखना है कि इसमें याद रखना अगर बच्चे का मूड खराब है, इसलिए बस एक बात याद रखना, अगर बच्चे का मूड है, या ऐसे भी कह सकते हैं बच्चा झगड़ा करके आया है, ताने सुनकर आया है, पीटा गया है, तो रहे ऐसा
सकता है कि नहीं समझ पाए, और अगर अच्छा मूड हुआ तो भैया आराम से आके क्लास में बैठेगा, आराम से बैठ के सीखेगा, कोई समस्या होने वाली नहीं है। और इसी के विपरीत जब उसका मूड बहुत सही होगा, गाने गाएगा, समझ रहे हो ना, बैठेगा और बहुत ही अच्छी तरीके से वो सीखने की कोशिश करेगा, और बच्चा क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे बच्चा सर जी सीख जाएगा, कोई समस्या उसके साथ में आएगी नहीं। यहाँ तक बात समझ गए कि नहीं समझ गए, जल्दी से एक बार स्क्रीन पर कर लो, उसके बाद हम दूसरे नंबर आ जाते हैं। जल्दी करिए क्या आगे का नियम कहता है, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। आगे का नियम क्या कहता है, जो हमारा जो आगे का नियम है प्यारे बच्चे, वो क्या कहेगा जरा उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आगे के नियम कहता है कि जैसे किसी भी काम को करने के लिए हमको मल्टीपल रिस्पॉन्सेस की आवश्यकता होती है, यानी हम जो हैं किसी काम को अगर बार 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 करेंगे तभी हम उस काम को करने में प्रवीण हो जाएंगे। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेस। क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे सर जी इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेस। जरा ध्यान से सुनेंगे, थोड़ा सा लाइट आ रही थी इसलिए मैं थोड़ा सा उसको हटा नहीं देता। देखिए अगला नियम है, कहते हैं दूसरा जो है उसको कहते हैं बहु अनुक्रिया का क्या होता है, याद रखिएगा उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ, क्या कहते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेस। क्या है इसका मतलब समझो, मान लीजिए कि अब देखो वही बात है, अगर आप अभ्यास के नियम समझने क्या कहा था, ये जो गौण नियम होते हैं ना पहले बच्चे, ये कहाँ से आते हैं, तो आप कहेंगे सर जी कहीं और से नहीं बल्कि हमारे मुख्य नियमों से निकल करके सामने आते हैं। तो ये अभ्यास का ये नियम आपको लग रहा होगा बहु अनुक्रिया का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, मतलब एक काम को अगर आप बार बार करते हैं, बार बार रिस्पॉन्स करते हैं, एक अनुक्रिया, मान लीजिए आपको साइकिल सीखना, बार बार साइकिल चलाना सीखते हैं, बार बार साइकिल चलाना सीखते हैं, तो फिर क्या होता है कि बार बार मल्टीपल रिस्पॉन्सेज की बात नहीं, आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए फंडाइक की जो थ्योरी है वो ट्रायल एंड एरर की थ्योरी है, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत है। तो वही कह रहा है कि अगर आप एक काम को करना आपको नहीं आता है, लेकिन अगर आप उसी काम को बार बार करते हैं, तो एक बार वो काम सही होने लग जाता है, और उसी अनुक्रिया को पकड़ लीजिए और उसी को बार बार करके अभ्यास के नियम को लागू करके आप सीख जाइए। यानी बहु अनुक्रिया, यानी एक काम को करने के लिए उसमें बहुत प्रकार की अनुक्रियाएँ, यानी बार बार प्रयास करना पड़ता है, और जब सही प्रयास हो जाता है तो उसी को बच्चा पकड़ के आगे चला जाता है। बहु अनुक्रिया माने बहुत बार प्रयास करना पड़ता है। इतनी सी बात है, बताओ भाई आपको समझ आ गई कि नहीं आ गई, तो आप कहने से बिल्कुल आ गई। एक कोई काम है उसके लिए बार बार प्रयास करेंगे, और जैसे ही सीख जाएंगे तो उसी सही प्रयास को पकड़ करके आगे बढ़ जाएंगे। तो बात ठीक है, कहेंगे बात है तो लिख लीजिए कि क्या लिखेंगे, लिख लीजिए कि बहुत बार प्रयास करना और सही प्रयास चुनकर उसका अभ्यास करना, उसका अभ्यास करना ही तो नियम है भैया, बस बात खत्म हो गई। आप बार अनुक्रिया करो, जब सही हो जाए उसी को पकड़ो और आगे की तरफ बढ़ जाओ। ठीक है, अब आगे आओ जल्दी से इसको नहीं छोड़ देंगे भैया, हम आगे बढ़ो। आगे हम क्या आपको बताने जा रहे हैं, तो आगे क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी किस नियम को आपको बताया था, आगे वाला नियम भी कुछ ऐसे ही है। वो कहता है कि जैसे मान लीजिए कोई और बहुत बड़ा काम, सबसे पहले लिख देते हैं उसको क्या कहते हैं, तो तीसरे वाले को कहते हैं आंशिक, क्या कहते हैं, तो आप कहीं कहते हैं आंशिक क्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम कहते हैं लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी,
अगला और पार्शियल एक्टिविटी यानी आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़ा काम करना है, मान लीजिए आपको नॉलेज की श्रेणी याद करनी है, अभी आपको याद नहीं हो रही है तो क्या करिए, नो भी याद करिए, के एन ओ डब्ल्यू और एल ई डी, नौ ले और जी, समझ पाए कि नहीं समझ पाए। जैसे मान लीजिए आपको साइकिल चलाना सीखना है, तो सबसे पहले आप साइकिल को ऐसे जैसे रोल करना सीखिए पकड़ के, फिर धीरे से जिसको कहते हैं ना बांधाओ की भाषा में कैंची सीखिए, उसके बाद में फिर आप गलती सीख जाएंगे यानी पूरी पूरी की पूरी चलाना सीख जाएंगे। ऐसे कहते हैं आंशिक क्रिया का नियम है। जैसे कोई कोई एक चैप्टर मान लीजिए सी डी पी है, आपको याद नहीं होता है तो आप थॉर्नडाइक के सारे नियम एक साथ पढ़ने की कोशिश मत करिए, पहले मुख्य वाले पढ़िए, फिर गौण वाले पढ़िए, गौण आधे पहले पढ़ लीजिए आधे बाद में पढ़ लीजिए। यानी एक काम जो बड़ा है उसको भागों में तोड़ करके सीखो, ये तो कहलाता है आंशिक क्रिया का नियम। यानी सीखना है लेकिन कैसे सीखना है, तो आप कहेंगे सीखना है लेकिन भागों में तोड़ कर, या आप कहेंगे बांध, सीखना है लेकिन कैसे, भागों में तोड़ कर या बांट करके हमको सीखना है। हमको पूरे काम को, जैसे कि हमें खाना है, खाना खाना है बहुत ज़्यादा भूख लगी है, पूरा ना खा कर तो उसको भागों में खाते, ऐसे तो है नहीं कि सुबह से शाम तक का पूरा खाना एक साथ खा लेते हैं, नहीं, सुबह थोड़ा खा लिया, दोपहर में थोड़ा खा लिया, शाम को थोड़ा खा लिया, तो शरीर को ऊर्जा ही मिल गया शरीर को, मिला के आंशिक क्रिया का नियम ये है कि भैया अंशों में तोड़ लीजिए, कोई एक क्रिया है, कोई एक काम है, उसको भागों में तोड़ करके, जैसे आपको कोई बुक पढ़नी है तो उसको कई सारे खंडों में पढ़ लीजिए, कोई भी आपको चैप्टर पढ़ना है कई सारे खंडों में पढ़ लो, कि आप करते भी होंगे जिंदगी, तो बस वही बात है यहाँ पर कि किसी चीज़ को अगर सीखना है आपको तो आप उसको खंडों में सीख लीजिए, छोटे छोटे पार्टों में सीख लीजिए। ठीक है, बात आप कहते हैं बिल्कुल ठीक है, हटाए इसको बदला, ये तीन हो गए, दो नियम और है, तो आप चाह रहे हैं इसी वीडियो में जो लॉ है हमारे धंधे सबके वो यहीं तक। ठीक है, अगर हम चौथे नियम की बात करें तो उसको कहते हैं सादृश्यता का नियम या अनुरूपता का नियम। क्या कहते हैं उसको, कहते हैं प्यारे बच्चे सादृश्यता का नियम या इसी को मैंने बताया ना आपको, कहते हैं अनुरूपता का। ये क्या होता है, देखो आप देख रहे हो कि सादृश्यता या अनुरूपता कहते हैं कि अगर एक किसी एक प्रकार के काम को, जैसे मान लीजिए कोई भी एक प्रकार का काम है, मान लीजिए आपको लिखना आता है हिंदी में, उसी को आप इंग्लिश में लिखना शुरू कर दें, एनालॉजी यानी बस ये समझिए कि जो एक तरीके के काम होते हैं, ठीक है, जो एक तरीके के काम होते हैं उनमें सामंजस्य बिठाना। जैसे मान लीजिए आप क्या करते हैं, आप साइकिल चला लेते हैं, ठीक है, अब साइकिल चलाने से मोटरसाइकिल भी दो पहिया होता है, साइकिल भी दो पहिया होता है, बस मोटरसाइकिल में मोटर लगी होती है, साइकिल में मोटर नहीं लगी होती है। यानी साइकिल को जो चलाने का जो अनुभव है वो अगर आप मोटरसाइकिल में लगा दें तो आप चला तो लेते ही हैं भाई, उसमें भी हैंडल पकड़ना है, उसमें भी हैंडल पकड़ना है, तो दोनों लगभग सादृश्य काम है, कैसे हैं, एक जैसे काम है, तो आप कह सकते हैं साइकिल से क्या सीखना, तो आप कहेंगे बाइक को सीखना। अगर आप चला लेते हैं मान लीजिए कार है, आप कार चला लेते हैं उसमें भी स्टीयरिंग है, और आप अगर ट्रक चलाने लगे, यानी एक प्रकार के काम को अगर आप जानते हैं तो उसी प्रकार का अगर कोई दूसरा काम आ जाए तो आप उसको भी आसानी से करना सीख लें, उसको ही कहते हैं सादृश्यता का नियम। सादृश्यता किसमें, क्रियाओं में सादृश्यता, एक तरीके की क्रिया है इसमें सादृश्यता, तो आप कहेंगे क्रियाओं में सादृश्यता। यानी अगर आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं तो व्हीलर वो भी होता है, उसमें भी हैंडल पकड़ना है, बाइक में भी हैंडल पकड़ना है, जब आप साइकिल से बाइक सीखेंगे तो आपको आसानी रहेगी, या आप एक तरीके की जैसे यहाँ पर भी कार में भी स्टीयरिंग, ट्रक में भी स्टीयरिंग, यानी एक तरीके काम, यहाँ भी ब्रेक, यहाँ भी एक्सीलरेटर, यहाँ भी एक्सीलरेटर,
यानी एक प्रकार के काम को जो आपको आता है उसी को, उसी प्रकार का जब कोई दूसरा काम आए तो उसमें अगर आप लगा देते हैं तो उसको ही कहते हैं सादृश्यता का नियम। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि एक बच्चा जो कमल का फूल बना लेता है, कमल के फूल में ड्राइंग कर लेता है यानी उसको रंग लेता है, अगर उसको गुलाब का फूल रंगने के लिए दिया जाए तो क्या उसको भी वो रंग लेता है? तो यह है अनैतिक नियम पर आधारित है, याद रखेंगे सादृश्यता के नियम पर आधारित, क्योंकि वो रंगाई तो पहले से ही कर रहा था, है ना। और जब आपने उसी प्रकार उसको कोई काम दे दिया तो उसने क्या किया, उस काम को भी आसानी से कर लिया, तो उसको कहते हैं सादृश्यता। जिसको लिखा एनालॉजी, एनालॉजी आप नहीं कहते रीजनिंग में, बस वही चीज़ लिखा हुआ है। एनालॉजी का मतलब होता है जैसे एक प्रकार के कोई काम है ना, एक प्रकार के चित्र बने होते हैं, उसमें ही तो आप सामंजस्य बिठाते हैं। तो वही बात है कि भैया ऐसा है कि अगर हमें हमको दिखते हैं वही एनालॉजी, जैसे वहाँ पर कितने वैसे एक तरह के चित्र बने होते हैं, छाटना होता है, वही बात यहाँ पर भी है। ठीक है, बात समझ गए। अब आता है यहाँ का लास्ट में, एक बार कर लीजिए स्क्रीनशॉट, जिसको कहते हैं सहचर स्थानांतरण का नियम। क्या कहते हैं, आखिर है आज का भी आखिर है और खंडाई का भी आखिर है, तो जो ये नियम है वो सबसे आखिरी नियम नहीं होता है, ध्यान से सुनिएगा। क्या कहते हैं पांचवें नियम को कहते हैं प्यारे बच्चे, साहचर्य स्थानांतरण का नियम। कहते हैं साहचर्य स्थानांतरण का नियम, जिसको कहते हैं लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, लिख देता हूँ लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। अगर यहाँ पर एसोसिएटिव शिफ्टिंग लिखा, ध्यान से देखिएगा एनालॉजी वाले में और इसमें एक अंतर होता है, उसको आपको ध्यान से बहुत समझना होगा, क्या अंतर होता है समझेंगे। देखिए हमने अभी जब एनालॉजी पढ़ाया तो मैंने कहा था एक प्रकार के जब दो काम होते हैं तो उसमें आप एक प्रकार के काम जानते हैं, उसी प्रकार का कोई मिलता जुलता दूसरा काम है तो आप आराम से कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, तो सहचर स्थानांतरण क्या होता है कि मान लीजिए एक प्रकार का आप काम कर लेते हैं और उसी अनुभव का प्रयोग किसी दूसरे काम में जो उसके जैसा है नहीं लेकिन उसके जैसा लगता है। जैसे आप बाइक चलाना जानते हैं और जब आपको कार सीखनी हो तो बाइक वाला अनुभव आप कार में लगाएं तो ये होता है सहचर स्थानांतरण। यानी आप ड्राइव जो कर रहे हैं इसमें राइड कर रहे हैं, इसमें ड्राइव कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। अभी मैंने क्या कहा था, जब आपको स्टीयरिंग फोर व्हीलर आता है तो किसी और फोर व्हीलर को चलाना, ट्रक को चलाना या किसी स्टीयरिंग वाले को चलाना, साइकिल आता है तो साइकिल से क्या चलाना, तो आप कहेंगे साइकिल से मोटर करके चलना, दोनों दो व्हीलर एक जैसे काम है। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर आपको बाइक चलाना आता है तो इसका अनुभव आप कार चलाने में प्रयोग करते हैं, इसको कहते हैं शिफ्ट हो जाता है, ये वाला अनुभव यहाँ पर शिफ्ट कर जाता है, तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ शिफ्टिंग। जैसे आप टीचिंग बहुत अच्छी करते हैं, आप बोलते बहुत अच्छा हैं और आप इस अनुभव को आप डिबेट में कहें में आप कहेंगे डिबेट या वाद विवाद में अगर इसी को ट्रांसफर कर दें तो इसको भी कहते हैं लॉ ऑफ शिफ्टिंग। यानी आप बोल बहुत अच्छा देते हैं, पढ़ा बहुत अच्छा देते हैं, यानी आपकी वाणी बहुत अच्छी है और जब डिबेट में डाला गया तो उसी वाणी का, जबकि दोनों काम अलग अलग है, भाई वाद विवाद करना अलग काम है, पढ़ाना एक अलग काम है, लेकिन चूंकि आपका आप वाक्पटु हैं यानी आपकी बोली भाषा बहुत अच्छी है, इस काम को आप इस काम में शिफ्ट कर देंगे, इसे ही कहते हैं लॉ ऑफ शिफ्टिंग। तो ये प्यारे बच्चे खंडाई के द्वारा दिए हुए, एक बार स्क्रीन शॉट कर लें इसका, या तो ये प्यारे बच्चे खंडाई के द्वारा दिए गए कुछ नियम और कौन नियम की हमने चर्चा की। खंडाई एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है प्यारे बच्चों, तो हमेशा आपको खंडाई का जो टॉपिक है वो पकड़ के रखना है, ताकि आपको जीवन में कभी भी जब आप किसी भी टीचिंग एग्जाम दें तो खंडाई से संबंधित क्वेश्चन हमेशा आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि खंडाई बहुत ही एक मुख्य टॉपिक है। कई विद्वानों ने तो खंडाई को फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहा है, मनोविज्ञान का पिता भी कहा है। ठीक है, तो लगभग 90% सर्वमान्य है कि खंडाई को फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है।
इसलिए आपको इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है और आपको पढ़ना भी चाहिए। मैंने पढ़ाते वक्त बीच में चूंकि मैं प्रो पे चलता रहता हूँ, तो मैंने किसी भी छात्र से लाइक शेयर सब्सक्राइब करने की गुजारिश नहीं की है। तो आप मुझे जानते हैं और हम भी आपको जानते हैं, इसलिए बिना कुछ कहे आप भावनाओं को समझें और लाइक शेयर सब्सक्राइब बीच बीच में करते रहा करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और अगर हम मोटिवेट हुए तो हम ऐसा वादा करते हैं कि हम आपको जरूर बेहतर बनाएंगे और आप जरूर बेहतर बनाएंगे। अभी के लिए हम आपसे विदा चाहेंगे। अगली क्लास में हम पावलाव के साथ में आपको मिलेंगे। ईयर पावलाव और पावलाव ने किसके ऊपर प्रयोग किया, इस बात पर हम बहुत गहरी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।